प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने मंगलवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य की जांच की और संबंधित ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल परिसर में चल रहे कार्यों को शत प्रतिशत गुणवत्ता रहने और समयबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया। नीचे वाले उसी के नीचे नीचे चलाएंगे, वहाँ से शुरू करिएगा और उसके जो ऑर्डर निकला है उसके नीचे नीचे चलाएंगे। ये नॉर्मल प्रतिदिन का कहीं ना कहीं हम निकलते हैं अपने अस्पताल में। इस संबंध में पीछे गैरेज बन रहा है, इस गैरेज को देखने गए थे क्वालिटी और कैसे बन रहा है। उस पर शायद छोटी छोटी कमियां दिखाई देती हैं, बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, पब्लिक प्लेस है, तो ये तो अमूमन छोटी बड़ी कमियाँ आती रहती हैं। कहीं कोई पब्लिक टूटी तोड़ देती है, मिसहैंडलिंग हो जाती है, उसको तो ठीक करवाया जा रहा था। साथ में जो हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम ठेकेदार देखते हैं, उनको भी हिदायत दी गई कि जो कैटल कैचर लगा हुआ है, नाला खुला हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। साथ में स्टोर में जो भी बेंच मरीजों के लिए स्टील अच्छे बेंच हैं, स्टील टॉप के हैं, उनको वार्ड में दे दिया जाए। कार्डियोलॉजी में तो दे दिया गया है कुछ बेंच, मुझे मैंने कहा कि इसको आर्थो वार्ड में भिजवा दीजिए, तो आर्थो वार्ड में भी चला जाएगा, मरीज को परिजनों को बैठने की सुविधाएं रहेंगी। सर डीएम साहब जैसे निरीक्षण किए थे सर, उस दिन उन्होंने कुछ भवनों को ध्वस्त करने और कुछ यहाँ करने पड़ी गाड़ियों को भी नीलाम करने की बात कही थी, इसमें क्या उसकी कार्रवाई चल रही है? उसकी टेक्निकल रिपोर्ट, गाड़ियों के बारे में टेक्निकल रिपोर्ट लेके सीएमओ के यहाँ भेज दी जाएगी कि एक ही साथ सभी गाड़ियाँ जो भी करने में ऑक्शन हो जाएं। ध्वस्त करने के बाद तो कहा था कि एक मेजर प्रोजेक्ट प्लान यहाँ का बनाइए, छोटे छोटे पार्ट में करने से अच्छा है कि जो भी जगह खाली है उसमें क्या बनाया जा सकता है, ताकि पूरे कैंपस को एक सुदृढ़ सुव्यवस्थित आधुनिक तरीके से बनाया जा सके। इस संबंध में प्रोजेक्ट बनाने का है, इस संबंध में मैंने जेई को कह दिया है ये बना के रखे, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस होगी, फिर भेजा जाएगा।